शहर कतराज का एकमात्र मोबाइल सर्विसिंग सेंटर, जहां खराब मोबाइल का सर्विसिंग होता है। अगर आपको भी अपनी मोबाइल सर्विसिंग करानी है तो आ जाइए हमारे दुकान में, जो कि राजगढ़िया मार्केट में स्थित है। यहां पर सभी कंपनी के मोबाइल का रिपेयरिंग होता है। हमारा पता है राजगढ़िया मार्केट के अंदर, प्रोप्राइटर श्री विजय राजगढ़िया, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। स्वागत है आपका स्टार सिटी 24 में, मैं ब्रह्मशिला आपके साथ। आइए जानते हैं झारखंड और बिहार की प्रमुख खबरें। उपायुक्त श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर जसीडीह ऑटो स्टैंड से वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसी दौरान उपायुक्त ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि योजना को व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से आप सभी के वाहनों का उपयोग किया जा रहा है, ताकि आप जहां भी जाएं, चाहे गांव, पंचायत, प्रखंड एवं शहरी क्षेत्र, वहां के लोगों को योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त हो सके। इस योजना के तहत 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रति माह की दर से उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इस योजना के कोई भी योग्य लाभुक परिवार वंचित ना रहे, इसी उद्देश्य से योजना का व्यापक रूप से प्रचार किया जा रहा है। योजना अंतर्गत लाभुकों के चयन हेतु मानक निर्धारित किए गए हैं, जो प्रासंगिक विभागीय संकल्प के अनुसार समावेशन एवं अपवर्जन मानकों पर आधारित है। उक्त मानकों के आलोक में प्राप्त होने वाले आवेदन को प्रपत्र ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में समर्पित किए जाएंगे। यह आवेदन प्रपत्र विभागीय पोर्टल www.aadhar.jharkhand.government.in एवं www.jharkhand.government.in से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना को क्रियान्वयन दिनांक 15/11/2020 से होना सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा उपायुक्त ने योजना और जिला प्रशासन के सहयोग को लेकर ऑटो संघ के प्रतिनिधियों व सदस्यों का आभार प्रकट किया है। कोरोना संक्रमण के इस जंग में आप सभी जिला प्रशासन का सहयोग करें, ताकि इस बीमारी से हम जीत सकें। अपने संबोधन के दौरान उपायुक्त श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह जी ने सभी से आग्रह करते हुए कहा कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए हम सभी को सतर्क, सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि चेहरे और नाक को अच्छे से मास्क या रुमाल से ढक कर रखें एवं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच 2 से 4 मीटर की तक की दूरी बनाकर रखें और जमघट लगाने से परहेज करें। स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखते हुए अपने हाथों को थोड़े समय के अंतराल पर साबुन या हैंडवॉश से अवश्य धोएं। कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस सावधान व सतर्क रहने की ज़रूरत है। एहतियात बरतते हुए स्वयं को एवं अपने परिवार को सुरक्षित रखें। इस दौरान उपायुक्त के अलावा जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री विलास दीप खालको, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार, विद्यार्थी एवं संबोधित विभाग के अधिकारी व कर्मी के साथ ऑटो संघ के सदस्य आदि उपस्थित थे। मूल रूप से वैसे योग्य व्यक्तियों का, जिनका किसी कारण कार्ड नहीं बन पाया, राशन कार्ड नहीं बन पाया है, और वे सभी प्रकार से उसके लायक हैं, योग्य हैं, तो झारखंड सरकार ने एक राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम उसकी जो है उसके तहत वैसे लाभुकों के लिए ग्रीन कार्ड बनाने की योजना आरंभ की गई है। वो लोग अपना एप्लीकेशन करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, जो ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं तो ऑफलाइन भी अपने प्रखंड में कर सकते हैं, और उनका राशन कार्ड बनेगा। इस राशन कार्ड के आधार पर उन्हें प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति को मैक्सिमम 5 किलो तक अनाज मिलेगा और वो 1 रुपये के दर से होगा, जो कि चावल होगा। तो ये एक कोरोना काल में एक बहुत अच्छी योजना है सरकार के द्वारा। इसको माना जाए कि एक तरह का सहयोग है उन लोगों के लिए जो कि गरीब हैं और किसी न किसी कारण कोरोना से प्रभावित हुए हैं आर्थिक और शारीरिक रूप से। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की होगी अगर सब लोग इसमें मिलकर इस योजना को सफल बना पाएंगे।